आइए आज हम कक्षा एक से आने तक के लिए वैदिक गणित में पहाड़ा बनाना सीखें। पहाड़े किस तरीके से हमको काम आते थोड़ा ध्यान से देखेंगे। पहाड़े बनाने के लिए सबसे पहले हमें अंकों को विनकुलम करना पड़ेगा। विनकुलम करने की पद्धति में जैसे कि 19 है, जैसे कि हमारे पास अंक 19 है, 9 को हम 10 में से घटाते हैं, घटाने पर प्राप्त हुआ कि 1 के ऊपर ऋण का चिन्ह रखेंगे, इस 1 का 1 अधिक करेंगे वो होगा 2। अब यदि हम 9 में से क्रमशः 1-1 को घटा लें तो 9 में से 1 घटाने पर आपके पास मान है 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 और ये 0। ध्यान से देखिए, 1 के ऊपर लिखा है 2, मतलब 2 में 1 को जोड़ना है, 2 और 1, 3, 3 और 2, 5, 5 और 2 7, 7 और 2 9, 9 और 2 11, 11 और 2 13, 13 और 2 15, 15 और 17, 17 और 2 19। ये हमारे पास 19 का पहाड़ा कंप्लीट हो गया। इसी पद्धति से जैसे कि हमने अभी 19 का पहाड़ा बनाया है, यदि आवश्यकता पड़ती है तो हम इसी प्रकार से 29 का भी पहाड़ा बना सकते हैं। ध्यान से देखिए 29 के इन दोनों अंकों को अगर ध्यान से देखें तो हम पाते कि इकाई का अंक 9 है। 9 को इकाई के अंक को 10 से घटाते हैं, 10 से जब 9 को घटाएंगे मान बचेगा 1, लेकिन 1 के ऊपर हम ऋण चिन्ह रखेंगे, 2 का 1 अधिक 3, 2 और 1 3, 9 में से 1 को घटाइए 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 और ये 0। ध्यान से देखिए 9 के ऊपर ऋण 1 था, क्रमशः 1-1 को घटाने पर इसका इकाई के अंकों को देखे और इसके भी इकाई के अंकों को देखे तो हम पाते कि दोनों में कोई अंतर नहीं है। अब क्योंकि यहाँ 1 के ऊपर 2 था इसलिए 2 और 1 3 हुआ, 3 और 2 5 हुआ, 5 और 2 7 हुआ, यहाँ 2 के ऊपर 3 लिखा है इसलिए हम 3 में 2 को जोड़ेंगे तो 5, 5 में 3 को जोड़ेंगे 8, 8 में 3 को जोड़ेंगे 11, 11 में 3 को जोड़ेंगे 14, 14 में 3 को जोड़ेंगे 17, 17 में 3 को जोड़ेंगे 20, 20 में 3 को जोड़ेंगे 23, 23 में 3 को जोड़ेंगे 26, 26 में 3 को जोड़ेंगे 29। जैसे हमने 29 का पहाड़ा बनाया वैसे यदि कोई कहे हमको कि 59 का पहाड़ा बनाओ तो हम इसका भी पहाड़ा लिख सकते हैं। ध्यान से देखिए इकाई का अंक है 9, 9 को 10 में से घटाएंगे मान आएगा 1, लिखने के ऊपर हम ऋण चिन्ह लिखते हैं, 5 का अधिक 6, 9 में से क्रमशः 1-1 को घटाना, 9 में से 1 को घटाएंगे तो 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 और ये 0। यहां 5 के ऊपर 6 लिखा है तो 6 और 5 11, 11 में 6 को जोड़ेंगे तो 17, 17 में 6 को जोड़ा 23, 23 में 6 को जोड़े 29, 29 में 6 को जोड़े 35, 35 में 6 को जोड़े 41, 41 में 6 को जोड़े 47, 47 में 6 को जोड़े 53, 53 में 6 को जोड़ा 59। इस तरीके से ये हमने 19 का, 29 का, 39 का, 49 का, इनके सारे पहाड़े हम बना सकते हैं। आइए अब बात करें ऐसी संख्या जिनके इकाई में 9 की बजाय 8 हो, तब उसका पहाड़ा कैसे बनेगा।
जैसे कि अपराध है। ये 19 था, ये संख्या 18 है। 18 को बिल्कुल अंक की पद्धति में कैसे बदलेंगे, तो 10 में से 8 को घटाएंगे, 10 में से 8 को घटाने पर बचेगा 2, 2 के ऊपर हमने चिन्ह लिख दिया, इस एक का लिख दो। सामान्य तौर पे इस 19 को हम पढ़ते हैं 1 का 20, ऐसे ही हम इस 18 को पढ़ेंगे 2 का 20, और 2 का 20 की सहायता से हम 18 का 15 बनाएंगे। 8 में से 2 को घटाएंगे तो 6, 6 में से 2 को घटाएंगे तो 4, 4 में से 2 को घटाएंगे तो 2, 2 में से 2 को घटाएंगे तो 0, 0 में से 2 नहीं घटता है, इसलिए इस रूप से 1 लेंगे तो 1 और 0 हो गया 10, क्योंकि हमने 1 को बाईं ओर से लिया था, वापसी भी करनी होगी, इसलिए यहाँ पर रहना चाहिए। 10 में से 2 को घटाएंगे तो 8, 8 में से 2 को घटाएंगे तो 6, 6 में से 2 को घटाएंगे तो 4, 4 में से 2 को घटाएंगे तो 2, 2 में से 2 को घटाएंगे तो 0। 1 के ऊपर लिखा है 2, 1 के ऊपर क्योंकि 2 लिखा है, इसका मतलब 2 और 1 3, 3 और 2 5, 5 और 2 7, 7 और 2 9, 9 और 2 11, लेकिन 1 वापिस करना है, इसलिए 11 में से 1 घट जाएगा तो बचेगा 10, 10 और 2 12, 12 और 2 14, 14 और 2 16, 16 और 2 18। जैसे हमने 18 का पहाड़ा बनाया, बिल्कुल ठीक वैसे ही हम 28 का पहाड़ा भी बना सकते हैं। ध्यान दीजिए, 10 में से 8 को घटाएंगे विनकुलम पद्धति से तो मान आएगा 2, लेकिन 2 के ऊपर ऋणांक आएगा, इस 2 का 1 अधिक 3। जैसे 19 को पढ़ा था 1 कम 20, 29 को पढ़ा था 1 कम 30, 59 को पढ़ा था 1 कम 60, 18 को पढ़ा था 2 कम 20, ऐसे हम 28 को कह सकते हैं 2 कम 30। 8 में से 2 को घटाए तो 6, 6 में से 2 घटाए 4, 4 में से 2 घटाए 2, 2 में से 2 घटाए 0, पुनः वही प्रोसेस। 0 में से 2 कम नहीं हो सकता, इधर तक ने 1 ही जाए, संख्या होगी इधर। 10 में से 2 को घटाए तो 8, 6, 4, 2, 0। जैसे यहां 2 था तो 2 में 1 को जोड़ा तो 3, 3 में 2 को जोड़ा तो 5, 5 में 2 को जोड़ा तो 7, वैसे ही यहां 2 धन 3 5, 5 धन 3 8, 8 धन 3 11, 11 धन 3 14, 14 धन 3 17, 17 धन 3 20, 20 धन 3। ध्यान से देखेंगे यहां की प्रोसेस, 14 धन 3 17, लेकिन यहां पर ऋण का चिन्ह था, इसलिए उसको हम लिखेंगे 17 की बजाय 16, 16 धन 3 19, 19 धन 3 22, 22 धन 3 25, 25 धन 3 28। अगला पाठ देखेंगे हम इसी प्रकार से, अगला पाठ मान लो बना है 48 का, 10 में से 8 को बनाए तो 2, 2 के ऊपर 4 का एक अधिक 5, 8 में से 2 को कम करें 6, 6 में से 2 को घटाए 4, 4 में से 2 को घटाए 2, 2 में से 2 को घटाए 0, 0 में से पुनः 2 नहीं घटता, ऐसी पद्धति में इधर से लेंगे तो 10 में से 2 को घटाएंगे तो 8, 8 के बाईं तरफ चिन्ह लग जाएगा, तभी लगेगा, 8 में से 2 को घटाएंगे 6, 6 में से 2 घटेंगे 4, 4 में से 2 घटाए 2, 2 में से 2 घटाए 0। जैसे यहां 2 धन 1 3, 3 धन 2 5, 5 धन 2 7, जैसे यहां 3 धन 2 5, 5 धन 3 8, वैसे ही यहां 4 धन 5 9, 9 और 5 14, 14 और 5 19, 19 और 5 24,
24 और 5 29, लेकिन ऋणांक चिन्ह दर्शाता है कि एक कम लिखेंगे, मतलब 28, 28 और 5 33, 33 और 5 38, 38 और 5 43, 43 और 5 48। अभी अपन ने जिस प्रकार से 19 का पाठ बनाया था बिल्कुल ठीक उसी प्रकार से हमने 18 का पाठ बनाया। जैसे जैसे हम छोटे अंकों की तरफ बढ़ते जाएंगे हमारे पास इकाई की तरफ आने वाले संख्या के बाईं तरफ ऋण चिन्ह की बढ़ोतरी होती जाएगी। 19 के पहाड़े में दान तक एक भी ऋण चिन्ह नहीं है, लेकिन 18 के पहाड़े में दान तक एक ऋण चिन्ह है। ऐसे जब हम 17 का पहाड़ा बनाएंगे तो उसमें दो ऋण चिन्ह। इस तरीके से ऋणांक चिन्हों की बढ़ोतरी छोटे अंकों में ज़्यादा होती जाएगी। तो आज अपन ने 19 का, 29 का, 59 का पहाड़ा सीखा। इसी से हम किसके पहाड़े हम बना सकते हैं, 39 का पहाड़ा, 49 का पहाड़ा, 69 का पहाड़ा, 79 का पहाड़ा, 89 का पहाड़ा, 99, 109 से लेकर ऐसी प्रत्येक संख्या जिसकी इकाई में 9 है। 18, 28, 48 इसी की सहायता से हम पहाड़ा बना सकते थे। 38 का, 58 का, 68 का, 78 का, 88 का, 98 का, 108 का और इसी प्रकार से ऐसी अनंत संख्या जिसकी इकाई में 8 हो। आज के लिए इतना ही, शेष आगे फिर करते हैं।